चंपावत हाईवे पर बीती सोमवार की देर रात करीब 3:20 पर एक मैक्स अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस मैक्स गाड़ी में 16 लोग सवार थे, जिनमें से 14 की जान चली गई थी। भीषण हादसे की चंपावत के जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेटिक जांच बिठाई थी। इस बीच परिवहन विभाग के अधिकारियों की प्राथमिक रिपोर्ट परिवहन मुख्यालय को मिली है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हादसे की कई वजह थी। पहली मुख्य वजह ये मानी गई है कि कच्ची सड़क के एक मोड़ पर बड़े पत्थर पर टायर चढ़ने की वजह से वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। एक वजह यह भी है कि कच्ची सड़क पर जो मैक्स दुर्घटनाग्रस्त हुई, उस 9 सीटर वाहन में 16 सवारियां थी। ओवरलोडिंग के साथ ही खतरनाक सड़क पर रात को वाहन चलाना भी दुर्घटना का मुख्य कारण साबित हुआ।